नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहिनी देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। आज अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है वो है लोक प्रशासन, अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं महत्व। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, विषय क्षेत्र यानी स्कोप को जानेंगे और साथ ही हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। ये अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो आपके स्नातक के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है, कोर्स कोड है UGPA 101, पेपर का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, खंड एक के अंतर्गत लोक प्रशासन का स्वरूप और उसकी पहली इकाई है लोक प्रशासन, अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं महत्व। आज इस पर हम बात करेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर बात करने से पहले, इस विषय को समझने से पहले कुछ बातें आप सभी के लिए जान लेना आवश्यक है। जैसे कि लोक प्रशासन जो विषय है वो राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है, यानी पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है और राजनीति विज्ञान को लोक प्रशासन की जननी कहा जाता है, यानी इसकी जैविक माँ राजनीति विज्ञान है। दूसरी बात हमें जान लेना आवश्यक है कि लोक प्रशासन एक प्रशासन की ही व्यापक अवधारणा का पहलू है। तो जब हम लोक प्रशासन की बात करेंगे तो उससे पहले हमें प्रशासन को समझना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ दो तीन शब्द आप सभी ने सुने होंगे, जैसे कि प्रशासन हो गया, संगठन हो गया और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ये तीन शब्द हैं। कभी कभी हम इन तीनों को एक ही अर्थों में ले लेते हैं, यानी इसके अर्थ में अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, पर्यायवाची समझ लेते हैं। तो इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, इस पर भी हम आज बात करेंगे, उस अंतर को हम बताएंगे और अपनी क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया मानवीय प्रयास है। सबसे पहली बात, जब हम प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन कभी भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जब भी प्रशासन की बात होगी तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ही प्रशासन कर सकते हैं, तो समूह की बात होगी और प्रशासन के साथ संगठन जुड़ा हुआ है। संगठित रूप से जब प्रयास करेंगे तभी प्रशासन हो पाएगा। तो एक निर्धारित उद्देश्य होता है जिसको हम कॉमन गोल भी कहते हैं। ग्रुप में सभी लोग, जितने लोग वो एक्टिविटी करते हैं उसको अचीव करने के लिए, वो उनका निर्धारित उद्देश्य एक ही होता है। एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है। तो किसी निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संगठन के माध्यम से लोग मिलकर के एक पारस्परिक सहयोग के माध्यम से प्रयास करते हैं, जो गतिविधियां करते हैं, उसी को हम प्रशासन कहते हैं। और यहीं पर हम शॉर्ट में आपको लोक प्रशासन भी बता देते हैं। और यही जो गतिविधियाँ हैं प्रशासन की, अगर इन गतिविधियों को हम जन कल्याण की भावना से करें, मतलब ये गतिविधियाँ सार्वजनिक हित में की जाए, तो उसे ही लोक प्रशासन कहा जाता है। आगे हम इसे और डिटेल में समझेंगे। अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द आप सभी को पता है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये लैटिन वर्ड, दो वर्ड कौन कौन से हैं, एड प्लस मिनिस्ट्रेयर। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टू सर्व, यानी लोगों की देखभाल करना या फिर व्यवस्था करना। तो जो व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाए एक समूह में, वही प्रशासन है। अब जो तीन शब्द हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रशासन को हमने समझ लिया है। प्रबंधन उद्देश्य की पूर्ति है तो संगठन का नेतृत्व करता है, निर्देश देता है और पथ प्रदर्शन करता है। यानी प्रबंधन जो शब्द है वो व्यापक नहीं है, प्रशासन अधिक व्यापक शब्द है। प्रबंधन प्रशासन के ही परिधि में आ जाता है, उसी की सीमा में आता है। प्रबंधन का काम तब शुरू होता है जब उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, नीति निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होता है, संगठन का निर्माण हो जाता है। तो प्रबंधन संगठन के ही भीतर कार्य करता है। तो प्रबंधन की अपेक्षा प्रशासन एक व्यापक पहलू है और प्रबंधन उस उद्देश्य की पूर्ति है तो संगठन का नेतृत्व करता है, निर्देश देता है और पथ प्रदर्शन करता है। प्रबंधन प्रशासन के ही परिधि के अंदर की प्रक्रिया है। दूसरा टर्म हमने कहा था संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक मशीनरी है जिसके माध्यम से प्रशासन और प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। जो प्रशासन और प्रबंधन है उसके बीच की जो मशीनरी है, जो एक आधार है, वो है संगठन। तो इन तीनों शब्दों को हमने समझा।
अब हम आते हैं लोक प्रशासन शब्द पे। तो लोक प्रशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है लोक और दूसरा है प्रशासन। अब यहाँ पर लोक क्या, लोक का क्या अर्थ हो सकता है, मतलब प्रशासन तो हमने समझ लिया, लोक क्या है? तो लोक में आपने दो तीन शब्द सुने होंगे, एक तो शब्द होता है वोटर यानी मतदाता, एक शब्द होता है सिटीजन यानी नागरिक, और एक शब्द आपको पता ही है जो कि है पब्लिक, लोक यानी कि पब्लिक। तो ये क्या लोक शब्द में क्या मतदाता आते हैं या सिटीजन आते हैं, किसके लिए प्रशासन होता है? तो लोक शब्द अधिक व्यापक है, इसमें मतदाता भी आते हैं, इसमें आपके सिटीजन भी आते हैं जो नागरिक होते हैं, और इसमें हमारे देश में बाहर से आए हुए लोग भी शामिल हैं। तो जो लोक शब्द है पब्लिक, ये अधिक व्यापक अवधारणा है, इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं जो भी उस देश में रह रहे होते हैं। अब जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि जो प्रशासन जनहित में हो, जन कल्याण के लिए हो, आम लोगों के लिए हो, वही लोक प्रशासन है। तो जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो लोक प्रशासन है। प्रशासन व्यक्तिगत और सार्वजनिक हो सकता है, यानी प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, निजी प्रशासन भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, कि एक व्यक्ति के लिए प्रशासन नहीं हो सकता है। जनहित में ही जो कार्य होंगे वही लोक प्रशासन। सरकार द्वारा संपन्न क्रियाएं व्यापक सार्वजनिक और लोक हित की होती हैं, इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो लोक शब्द है, आप लोग इसका अर्थ किससे लगाएंगे? पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता। अगर ट्रेडिशनल वे में हम समझे, परंपरागत अर्थ को स्पष्ट करें, तो यहाँ पर लोक का मतलब जनता है, लेकिन आज के समय में लोक का मतलब जनता नहीं रह गया, यहाँ पर सरकार से लिया जाता है, लोक मतलब सरकार। तो जो सरकार कार्य करती है जनहित में, जन कल्याण के लिए सरकार जो भी कार्य करती है वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम किसी विषय की पढ़ाई करते हैं, चाहे जो भी विषय हो, और उसका हम स्कोप पढ़ते हैं, उसका विषय क्षेत्र पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्कोप किसे कहते हैं, विषय क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है, तभी हमें बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है, अभी किसी विषय का विषय क्षेत्र की अगर बात की जाती है, स्कोप की बात की जाती है, तो विषय क्षेत्र का आशय उससे लगाया जाता है कि उस विषय की जो पहुंच है, जो परिधि है, वो कहाँ तक है, और उस परिधि में जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके सभी कार्य और विशेषताएं समाहित हो जाएं, तो वो उसका विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप कहा जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आज हम स्कोप की बात करेंगे। तो ये तो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, अपने अपने लोगों ने, विचारकों ने, जो हमारे प्रशासनिक विचारक हैं, व्यू दिए हैं, लेकिन इससे पहले आप एक प्रैक्टिकल वे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई स्पेसिफिक स्कोप हो सकता है, कोई दायरा हो सकता है क्या? लोक प्रशासन तो हर जगह है, प्रशासन ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ प्रशासन नहीं है? अब जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन की हैं वो सभी प्रशासन के दायरे में आती हैं, तो प्रशासन का कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं होता है। जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, लिखा रहता है कि गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी व्यक्ति जब जन्म भी नहीं लेता है, गर्भ से ही प्रशासन के पहुंच में आ जाता है, और इवन मृत्यु के बाद भी, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, उसके बाद कब्र तक प्रशासन साथ देता है। गर्भ में बच्चा आता है तो किसी को चिंता हो ना हो, प्रशासन को चिंता हो जाती है, उसे टेंशन हो जाती है। जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो वर्किंग वीमेन हैं, वो काम करती हैं, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, तो इसको लागू कौन कराता है? प्रशासन ही कराता है। इसके अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, टीकाकरण होता है माताओं का, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जो स्वास्थ्य की देखभाल देखरेख की जाती है, जो उनके लिए पौष्टिक आहार का वितरण कराया जाता है, वो सब कौन करता है? प्रशासन ही तो करता है। तो प्रशासन की शुरुआत व्यक्ति के, जब वो गर्भ में होता है अपनी माँ के, तभी से शुरुआत हो जाती है, और उसके मृत्यु के बाद अंत तक प्रशासन उसका साथ नहीं छोड़ता है। फिर बच्चा जन्म के समय, प्रसूति के समय जो देखभाल प्रशासन ही करता है, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, 6 से 14 वर्ष तक उसकी शिक्षा कौन व्यवस्था करता है? प्रशासन व्यवस्था करता है। और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरे जन्म में जितनी एक्टिविटीज उसकी होती हैं, वो सब में प्रशासन के दायरे में ही होती हैं, प्रशासन ही देखभाल करता है। फिर जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब यदि कोई जलना चाहता है,
तो कौन उसको व्यवस्था करता है? जैसे हमने जो मोक्ष धाम देखे हैं, मोक्ष द्वार, कहीं कोई प्राइवेट कंपनी का तो आपने मोक्ष द्वार नहीं देखा होगा, कहीं आपने लिखा देखा है कि रिलायंस का मोक्ष द्वार है या टाटा का मोक्ष द्वार है, किसका होता है? म्यूनिसिपल अथॉरिटी का होता है। तो उसकी व्यवस्था भी प्रशासन ही करता है। व्यक्ति की जलने की इच्छा है तो उसको जलाया जाएगा, अगर दफन होना चाहता है उसकी व्यवस्था है, प्रशासन ही खर्च करता है, वही पूरी व्यवस्था करता है। कोई CNG से जलना चाहता है तो सारी चीज़ें सिर्फ प्रशासन ही देखता है। तो जीवन, मानव जीवन की कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो प्रशासन के दायरे से बाहर हो। प्रशासन हर जगह है, एवरीवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन इज एवरीवेयर। तो क्षेत्र, फिर भी हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए निम्नांकित दृष्टिकोणों के बारे में जानना आवश्यक है। तो इसमें कुछ 3 दृष्टिकोण हमने लिखे हैं, एक है संकुचित, एक व्यापक, मेन यही दो हैं। पहला संकुचित दृष्टिकोण है और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। पोस्ट कोर भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट कोर दृष्टिकोण भी संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आता है। तो इसको अलग से आप नहीं भी समझेंगे तो वो दो ही है मेन, संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण। तो पहला हम देखते हैं संकुचित दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के प्रारंभिक विद्वानों में, अब प्रारंभिक विद्वान से आप क्या समझ रहे हैं, जो शास्त्रीय विचारक हैं, क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल शब्द भी आपकी समझ में, आपको समझना चाहिए। क्लासिकल का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ औपचारिक रूप से अध्ययन किया गया हो उसके बारे में और पहली बार ठीक से बताई गई हो, वो क्लासिकल है, शास्त्रीय है। तो शुरुआती जो विचारक हैं हमारे, जो क्लासिकल थिंकर हैं, उनमें से कुछ विद्वान हैं जैसे लूथर, गुलिक हैं, साइमन हैं, इन्होंने माना है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से ही है, यानी सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उन तीनों में से जो शुरुआती विद्वान हैं, कुछ ऐसे नाम हैं आपको मिल जाएंगे, इनकी आप जब डेफिनेशन देखेंगे बुक में तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्रियान्वयन से ही संबंधित आपको परिभाषाएं मिलेंगी। तो लूथर, गुलिक हैं, साइमन हैं, इन्होंने क्या माना है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है केवल कार्यपालिका शाखा से है, यानी सिर्फ क्रियान्वयन का कार्य लोक प्रशासन करता है, नीतियां बनाना उसके दायरे में नहीं आता। तो इसका क्षेत्र कार्यपालिका तक ही सीमित कर दिया है, अर्थात विधायिका द्वारा निर्मित कानून एवं नीतियों का व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन करने वाला तंत्र लोक प्रशासन है। विधायिका जो कानून बनाती है, जो नीतियां बनाती है, उनका व्यवहारिक स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन होता है, वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आता है। अब आप जरा सोचिए, क्या कानून बनाने में या नीतियों को बनाने में उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है प्रशासन काम नहीं करता है, कौन बनाता है? क्या जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो हमारे मंत्रीगण हैं, वो सक्षम है उनके पूरे विस्तृत रूप को बनाने में जो नीतियाँ बनती हैं? अब सेक्रेटरी का काम क्या होता है किसी मंत्रालय और विभाग में आप देखेंगे, सचिव की क्या भूमिका होती है? सारी नीतियों को तैयार करता है, उसका ड्राफ्ट बनाता है। तो यहाँ पर सलाह तो एक प्रशासनिक अधिकारी ही दे रहा है, तो उसके दायरे से बाहर नहीं है। इसमें बस हमें यही समझना है, अब हमें यह नहीं कहना कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं दृष्टिकोण है, जिसका जो दृष्टिकोण है वही हमें एग्जाम में लिखना भी है और समझना भी है। दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को विस्तृत तथा व्यापक मानने वाले विद्वानों में, अब विद्वानों के नाम आप याद रखेंगे, विलोबी, फेलिक्स नीग्रो, वाइट और मार्क्स, ये प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को, उसके कार्य क्षेत्र को व्यापक माना है। इनका मानना है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों से लोक प्रशासन संबंधित है, कहीं न कहीं तीनों क्षेत्र में लोक प्रशासन कार्य करता है, यानी कार्यपालिका पालिका तक इसको सीमित नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण स्वरूप आप के समझने के लिए हमने इसको मेंशन किया है। विधायिका को उसके कार्य संचालन, जैसे विधायिका जो अपना कार्य संचालन करती है, बिना प्रशासन के मदद के विधायिका अपना कार्य नहीं कर सकती है। कानूनों का प्रारूप तैयार करना, जैसे हमने अभी बात की, जो ड्राफ्ट तैयार करना, मूलभूत आंकड़े उपलब्ध कराना तथा सदन संचालन में सहायता देना इत्यादि कार्य लोक प्रशासन ही करता है। इसी प्रकार न्यायपालिका के लिए आवश्यक समस्त व्यवस्थाएं, जैसे वाद दायर करना, गवाह या साक्ष्य लाना, न्यायालयों के आदेशों की क्रियान्वित करवाना इत्यादि कार्य भी लोक प्रशासन के अधीन माने गए हैं। जो भी हाई कोर्ट में जो कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो उसको फाइल करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती, कराना कैसे तैयार करता है, गवाह और साक्ष्य कौन लाता है, प्रशासन ही इसमें मदद करता है। उसके अतिरिक्त जो न्यायालय के आदेश होते हैं, जो कोर्ट आदेश देता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, प्रशासन ही कराता है। तो ऑब्वियसली प्रशासन का क्षेत्र व्यापक ही है,
इसलिए हम इसे व्यापक दृष्टिकोण मानते हैं और उसको संकुचित दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त तीसरा है पोस्ट कोर दृष्टिकोण। ये पोस्ट कोर व्यवस्था दी थी, इसकी बात की थी लूथर गुलिक ने। अभी पोस्ट कोर क्या है, ये अंग्रेजी का एक शब्द है, अंग्रेजी के सात शब्दों से मिलाकर उनके प्रथम अक्षरों को मिलाकर, अंग्रेजी के सात शब्द हैं उनके प्रथम अक्षरों को ले लिया गया है और उससे मिलाकर एक शब्द बनाया है पोस्ट कोर्ब। तो इसका हम फुल फॉर्म भी एक बार यहीं आपको बता देते हैं। जैसे पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग इज योजना बनाना, ऑपरेटिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये जो सात शब्द हैं इनका जो पहला लेटर है वो लिया गया है यहाँ पर। तो अब इसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, पहले कोई भी चीज़ प्लान की गई कि कैसे इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, इसके लिए किस प्रकार के संसाधन की हमें आवश्यकता होगी, कैसे हमें ये कार्य करना है। प्लानिंग बनाने के बाद ऑर्गेनाइजिंग, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया कि ऐसे हमें काम करना है इन सब चीज़ों से। स्टाफिंग, फिर हमें कर्मचारियों की ज़रूरत हुई तो स्टाफ हायर किया गया। डायरेक्टिंग, अब मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति जो डायरेक्शन देते हैं, जिनके डायरेक्शन में जो निम्न पदों पर आसीन व्यक्ति हैं वो उनके अंतर्गत कार्य करते हैं। उसके बाद इन सभी, जैसे जो उच्च पदों पर आसीन है और जो निम्न पदों पर आसीन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कार्यों का कोई दोहराव हो जाए, बार बार वही काम रिपीट हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता होती है। फिर है रिपोर्टिंग, जो अधीनस्थ होते हैं वो अपने कार्य की प्रगति की रिपोर्ट देते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को, तो रिपोर्टिंग भी आ जाती है। उसके बाद बजटिंग, कोई भी संस्था कोई भी संगठन हो, बिना वित्त के वो काम नहीं कर सकती है, तो जब वित्त की बात आती है तो उसके आय व्यय का विवरण है, कितना कहाँ खर्च हुआ, कितना कहाँ से इनकम हुई, तो उसके लिए बजट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लूथर गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगर सूक्ष्म रूप से, तो जो कार्य नीतियाँ होती हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों की व्याख्या करना, उनका निर्धारण करना, नीतियों का निर्माण करना, वो इस पोस्ट कोर से बाहर है, तो इसको भी हम संकुचित दृष्टिकोण ही मानेंगे। नेक्स्ट, लोक प्रशासन की प्रकृति। अब लोक प्रशासन के अर्थ और उसके विषय क्षेत्र को समझने के बाद हम लोक प्रशासन की प्रकृति को देखेंगे, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमने बात की थी, जब किसी विषय के स्कोप की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्कोप क्या होता है, स्कोप से तात्पर्य क्या होता है। उसी प्रकार जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी सब्जेक्ट के नेचर की बात करते हैं तो नेचर का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हम इसके अंतर्गत क्या जानना चाहते हैं। तो प्रकृति का अर्थ हुआ है कि किसी भी विषय का जो स्वभाव है, जो उसके लक्षण हैं, उसकी विशेषताएँ हैं, वो कैसी हैं, उसका विषयगत स्वभाव कैसा है, ये हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो लोक प्रशासन का जो विषयगत स्वभाव है उसको हम देख लेते हैं, और इसमें कुछ बहुत अधिक पढ़ने वाला है नहीं। लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करने के क्रम में दो मान्यताएं विचारणीय हैं, पहला है मैनेजेरियल व्यू और दूसरा है इंटीग्रल व्यू, यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा है एकीकृत दृष्टिकोण। लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने से पूर्व यह भली भांति समझना आवश्यक है कि लोक प्रशासन दो स्वरूपों में हमारे सामने विद्यमान है। लोक प्रशासन के स्वरूप की ही हम बात करें, खंड एक हमारा लोक प्रशासन का स्वरूप ही है, तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से है। एक तो वो है जो हम विषय के रूप में पढ़ते हैं, अपने यूजी पीजी लेवल पर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य और शोध का कार्य जो होता है, तो वो विषय के रूप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन विषय के रूप में पढ़ते हैं। ये बहुत पुराना नहीं है, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है 1887 से, तो इसकी जो विकास यात्रा है बहुत लंबी नहीं है। जब हम इसके लोक प्रशासन के उद्भव और विकास की बात करेंगे उसके अंतर्गत हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम बस यूं ही समझ लेते हैं। तो पहला ये हो गया विषय, एक विषय के रूप में यानी एज अ डिसिप्लिन, और एक गतिविधि के रूप में एज एन एक्टिविटी। एक गतिविधि के रूप में कैसे लोक प्रशासन है, जो हम अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में व्यवहारिक रूप में देखते हैं प्रशासन, वो लोक प्रशासन अलग है, और जो पढ़ाया जाता है वो लोक प्रशासन हम विषय के रूप में पढ़ते हैं वो अलग है। तो एक एक्टिविटी के रूप में अगर बात करें तो ये लोक प्रशासन की शुरुआत, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से ही प्रशासन विद्यमान है, बहुत पुराना है। विषय के रूप में हालांकि इसकी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, विषय के रूप में इसे नया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोक प्रशासन की प्रकृति पढ़ रहे हैं,
तो हम यहाँ जो प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक गतिविधि के रूप में, एज एन एक्टिविटी जो लोक प्रशासन की है, इसके रूप में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके के व्यू प्रचलित हैं, दृष्टिकोण। पहला है मैनेजेरियल, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, और दूसरा है इंटीग्रल। तो मैनेजेरियल में जैसे हमने अभी स्कोप देखा था, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। प्रशासन सिर्फ उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। इसके जो समर्थक हैं साइमन स्मिथवर्क थॉमसन, ये कुछ विचारक हैं लूथर गुलिक, ये मानते हैं कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो मैनेजेरियल है, प्रबंधकीय गतिविधियां वो सिर्फ करती है। यानी जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं वही लोक प्रशासन के अंतर्गत या उसकी प्रकृति कहलाएंगी। इसके विपरीत इंटीग्रल व्यू क्या कहता है, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि संगठन में कार्यरत सभी कार्मिक, यहाँ तक कि चपरासी भी संयुक्त रूप से प्रशासन को संचालित करते हैं। और इसके जो समर्थक में नाम हम देखते हैं डिवाइड का है और डिमॉक का है। जब हम इन विचारकों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही इनके विचारों का पता लग जाएगा कि ये किसके समर्थन में है। तो एल डी वाइट और डिमॉक का कहना है कि नहीं, लोक प्रशासन सिर्फ प्रबंधकीय पदों पर बैठे व्यक्तियों का की गतिविधियों से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में चपरासी से लेकर उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्य वो करते हैं, सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो लोक प्रशासन की प्रकृति हम इस दोनों तरीकों से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोक प्रशासन का महत्व, ये लास्ट है। अब जब लोक प्रशासन के स्कोप की हमने चर्चा की थी, आपको बताया था कि गर्भ से लेकर कब्र तक प्रशासन व्यक्ति के साथ रहता है, यानी मानव जीवन की सभी गतिविधियों में प्रशासन साथ देता है, कहीं भी वो साथ नहीं छोड़ता है। तो महत्व में ऐसा कुछ बचा नहीं है। वर्तमान में लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोजगार आदि जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक सुरक्षा, इनको पूरा करता है। लोक प्रशासन वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाए जाते हैं, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का यंत्र माना जाता है। कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके प्रशासकीय पहलुओं को पूर्णता समझा न जाए, तद अनुरूप उसके उचित प्रशासकीय यंत्र का प्रबंध न किया जाए। फिर वही बात आ गई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी हमने बात की थी गर्भ से लेकर कब्र तक, तो जन्म से लेकर जो मृत्यु तक कल्याण में जुटा हुआ कोई है तो वो है लोक प्रशासन। इसी कारण आज के राज्य को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी कहते हैं। आपने टर्म सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, यानी प्रशासकीय राज्य। इसका अर्थ है कि गर्भ से कब्र तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती हैं। तो लोक प्रशासन का महत्व तो यहीं से इंगित हो जाता है। इसके साथ हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, अपने कोविड समय को याद कर सकते हैं। कोविड के समय में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, आपने समाज में देखा होगा क्या हो रहा था, कैसा माहौल था, जब अपने नहीं साथ थे तो प्रशासन साथ में था। इससे अधिक महत्व क्या हो सकता है प्रशासन का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रतिष्ठित विद्वानों के कुछ कथन हैं जो लोक प्रशासन के महत्व को इंगित करते हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं, हम देख लेते हैं। जैसे कि डब्ल्यू बी डॉनहम, इनका स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे आगे भविष्य में, तो उसमें क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि किसने कहा है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन का विखंडन होगा। यानी डब्ल्यू बी डॉनहम का मानना है कि हमारी सभ्यता अगर विफल हो रही है तो केवल प्रशासन की विफलता के वजह से ऐसा होगा। अगर प्रशासन विफल नहीं होता है तो सभ्यता कभी विफल नहीं होगी। दूसरा है रैमजे म्यूर का स्टेटमेंट, सरकारें आती जाती रहती हैं, मंत्रियों का उत्थान पतन होता रहता है, किंतु एक देश का प्रशासन सदा चलता रहता है। कोई भी क्रांति इसे बदल नहीं सकती और कोई भी विद्रोह इसे जड़ से उखाड़ नहीं सकता है। यहाँ पर एक और उदाहरण आप शाहीन बाग का ले सकते हैं। जब सरकार के विरोध में लोग धरने पर बैठे थे, महिलाएं थीं, तो प्रशासन को इससे मतलब नहीं है। सरकार के विरोध में अगर कोई है, प्रशासन जनता के विरोध में कभी नहीं हो सकता। वहाँ पानी की व्यवस्था, उनको कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन सब कुछ देख रहा था। वहाँ का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रशासन का कितना महत्व है, और ये स्टेटमेंट रैमजे म्यूर का ही है कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन प्रशासन सदा एक सा ही रहता है और कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड कहते हैं, प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता। मेरे विचार से शासन तथा हमारी सभ्यता का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन का दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है।
तो ये एक्टिविटी के रूप में जो प्रशासन है उसका हमने महत्व यहाँ पर डिस्कस किया। और मेरे विचार से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रशासन के दायरे से बाहर हो। प्रशासन के ही दायरे में सब कुछ आ जाता है। आगे जो लास्ट में लिखा है, जैसे हम जो विषय के रूप में पढ़ते हैं लोक प्रशासन, तो आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति में अग्रणी विषय सिद्ध हो रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लोक प्रशासन उन गिने चुने विषयों में शामिल है जो अध्ययन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन एवं सहायता भी प्रदान करने में सक्षम है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अंतर्गत आज हमने चर्चा की लोक प्रशासन के अर्थ की, और इसके अर्थ में हमने प्रशासन को भी समझा, प्रशासन प्रबंधन और संगठन में क्या अंतर होता है इसको जाना। इसके अतिरिक्त हमने इसके विषय क्षेत्र को जाना, विषय क्षेत्र क्या है लोक प्रशासन का, और इसकी प्रकृति को भी साथ में हमने पढ़ा, और इसके अतिरिक्त इसके महत्व को समझा। तो ये आज की क्लास, उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।